हमें खुशी है कि आज हमारे अनशन के 16वें दिन हम ये अनशन खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ आकर हमारी जो मुख्य मुद्दा थी, मांग थी, उसके बारे में ये पत्र देकर गए हैं, जिसमें कि जो लद्दाख के नेताओं के साथ केंद्र सरकार की बातचीत चल रही थी, जो रुक गई थी, उसे दोबारा शुरू करने की मांग थी, तो उन्होंने उसका तिथि 3 दिसंबर का दिया है और ये हमें पहुंचाया गया। अब हम बस उम्मीद करते हैं कि ये जो बातचीत है, टॉक्स हैं, वो सकारात्मक माहौल में एक दूसरे पर विश्वास से आगे बढ़े और लद्दाख का एक अच्छा समाधान हो, जो कि राष्ट्र के हित में है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों की लोगों की खुशी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं उम्मीद करता हूं, और उम्मीद ये भी करता हूं कि दोबारा मुझे इस मुद्दे पर फिर अनशन न करना पड़े। और मैं साथ ही में देश के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस अनशन का पूरी तरह से समर्थन किया, पूरे देश से और दिल्ली से और लद्दाख से दिल्ली तक चलते हुए रास्ते में हर एक स्टेट और गांव, शहर सब ने हमारा बहुत स्वागत किया, हमारे हर ज़रूरत का ख्याल रखा, जिसमें हिमाचल के लाहौल, स्पीति और फिर पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली तक जिन्होंने हमारी मदद की, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आज एक खुशी का दिन है आपके लिए, आपके तमाम समर्थकों के लिए, मुख्य उद्देश्य था उस और आप लोग एक सार्थक पहल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी, किस जो आपका उद्देश्य था उस तरफ आप लोग एक सार्थक पहल के साथ। जी जी जी, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट आप लोग। जी, अभी तो ये बातचीत की शुरुआत है, मेरा काम उतना ही था कि बातचीत दोबारा पटरी पर लाएं। इसके बाद हमारे नेतागण, एपेक्स बॉडी ऑफ ले और केडीए ऑफ कारगिल, ये बैठकर मंत्रालय के साथ आगे बातचीत की गहराइयों तक जाएंगे, और हमें खुशी है कि ये एक सार्थक तरीके से शुरुआत।